अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, और इसमें अगर आप लोग देखें तो टॉप पर बात करें तो अमेरिका टॉप पर रहा है। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह के जो सूचकांक जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, उनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इसमें भारत की स्थिति क्या है, टॉप पर कौन बना हुआ है, इस सूचकांक को कौन जारी करता है, इस तरह के कई पॉइंट होते हैं, उन्हें याद रखा करिएगा। ठीक है, एक बार भारत को देख लीजिए मैप में, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और एशिया में अगर आप देखें तो ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों में अगर बात करें तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जिस अमेरिका की बात कर रहे थे, टॉप पर बना हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने अपने समग्र अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि पी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक का सुधार किया हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में से 43वें स्थान पर रहा है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सा है कि 55 देशों ने इसमें भाग लिया और हमारा स्थान कौन सा रहा है, 43वां स्थान रहा है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस वर्ष आप देखेंगे अमेरिका 95.4% के साथ इस सूचकांक में टॉप पर रहा है। कौन है टॉप पर, अमेरिका। हमारा स्थान कौन सा है, 43वें। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में बात करें तो 2020 में यूएस चैंबर अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसका शीर्षक आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक खाका तैयार करता है जो अधिक प्रभावी बौद्धिक संपदा सुरक्षा के माध्यम से 21वीं सदी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखते हैं। अपने 8वें संस्करण में सूचकांक 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा परिस्थिति तंत्र का मानचित्रण करता है, जो वैश्विक घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। सूचकांक 50 से अधिक अद्वितीय संकेतकों के साथ प्रत्येक उस अर्थव्यवस्था के लिए बौद्धिक संपदा ढांचे का मूल्यांकन करता है जो सबसे प्रभावी बौद्धिक संपदा प्रणालियों के माध्यम से अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये संकेतक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारिस्थितिकी तंत्र का एक ढांचा तैयार करने हेतु सुरक्षा के 9 श्रेणियां प्रदान करते हैं। इन 9 श्रेणियों में अगर आप देखें तो कौन कौन शामिल है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन का अधिकार, व्यापार में गोपनीयता, आईपी कंपनियों का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, और देखेंगे इसमें प्रवर्तन के बाद आप देखेंगे सर्वांगीण दक्षता, सदस्यता और अंतरराष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन इसमें शामिल किया गया। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे तो यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संघ है जो आकार, क्षेत्रों तथा क्षेत्रों के साथ साथ राज्य एवं स्थानीय कक्षों व उद्योग संघों के 3 मिलियन से अधिक व्यवसायों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इस समूह की स्थापना की बात आए तो इस समूह की स्थापना अप्रैल 1912 में राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टेफ्ट और उनके वरिष्ठ और सरम सचिव चार्ल्स नागेल के आग्रह पर स्थानीय वाणिज्य मंडलों के माध्यम से की गई थी। कब, 1912 में। अगर हम बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण हेतु भारत सरकार की तरफ से अगर पहलों की बात करें तो आप देखेंगे भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 आया हुआ था, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016 भी आया हुआ था, और एक संगठन के बारे में आप लोग काफी सुनते रहते हैं, और याद रखिए इस तरह के संगठनों से भी आपके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते रहे। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी सदस्य है, जिसे आप लोग विपो भी कहते हैं। अगर आप लोग इसके बारे में अगर हम बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में, कहां, यूरोप में एक देश पड़ता है स्विट्जरलैंड, और इसका एक शहर है जेनेवा, यहाँ इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में आप देखें तो 193 सदस्य इसके क्या है, सदस्य हैं, इसमें शामिल हैं, तो इसका भी सदस्य है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि आईपीआर से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को विकसित भी करता है।
तो इतनी कहानी है इसकी, तो आप लोग याद रख सकते हैं और याद रखना भी चाहिए। स्विट्जरलैंड से भी भारत को देख लीजिए, इससे भी मिला के तो यूरोप में आप देखेंगे स्विट्जरलैंड पड़ेगा और एशिया में आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत पड़ेगा। तो इसके बारे में याद रखा करिएगा, इस तरह के संगठन का भी चर्चा में रहते हैं तो उन पर भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा अपने पास। और इंडेक्स से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखते रहना, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती रहेगी उससे। ठीक है।